हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइन एस एडवेंचर पर। तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद है कि सब अच्छे ही होंगे। और यहाँ बगल में ही है सूर्य कुंड, यहाँ पीछे की तरफ झरना बह के जा रहा है। और अभी मैं निकल रहा हूँ गौमुख के लिए। मैं तो वो भगत सिंह जो दाए उनके साथ ही निकलने वाला था, लेकिन थोड़ी प्रॉब्लम होगी उस वजह से नहीं निकल पाया। वो कह रहे थे कि उन्होंने वहाँ ऊपर पता किया था तो फॉरेस्ट वालों ने मना कर दिया, क्योंकि इनका जो ग्रुप है उनका परमिट पहले से ही बना हुआ रहता है, तो मैं उसमें इंक्लूड नहीं हो पाता, तो इसलिए नहीं हो पाया। तो वैसे मैं इनके साथ कल फिर भी जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा फिर गौमुख तक तो मैं अकेला ही जा सकता हूँ, और मैं फिर अकेले जा रहा हूँ क्योंकि मेरा एक दो दिन बच जाएंगे। क्योंकि जब ये लेके जाएंगे अपने ग्रुप को तो ये पहले चीड़वासा में रुकेंगे, फिर भोजवासा और फिर तपोवन। तो मैं इनके साथ जाता तो चीड़वासा में रुकना पड़ता, अब मैं डायरेक्ट आज भोजवासा चले जाऊंगा और कल गौमुख करके और कल ही वापस आ जाऊंगा। तो फिर से मैं इस पुल के पास आ चुका हूं, और यही रास्ता गंगोत्री मंदिर के लिए भी जाता है, और नीचे से केदार गंगा बह के आ रही है। और केदार गंगा इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि यहीं से केदारताल का ट्रैक भी होता है, और लगभग 18 से 19 किलोमीटर का ट्रैक है वो। तो ये हो गई केदार गंगा, और यहीं कहीं से होता होगा वो केदारताल का ट्रैक। तो ऊपर की तरफ बता रहे थे वो भगत सिंह भैया की काफ़ी स्टीप है, तो 2-3 दिन लगते हैं उसमें भी। ये हो गई भागीरथी नदी, और वहाँ पे सामने घाट है, तो क्या भयंकर उफान में बहती हुई, और सामने की तरफ कुछ हिमालय पर्वत आपको नज़र आ रहे होंगे, उसमें बादल लगे हुए हैं, वहाँ पे तो बर्फ़ लगी हुई है। तो चलो चलता हूँ इस रास्ते से होते हुए। आ चुका हूँ भाई मैं मंदिर के अंदर। ये इधर भोलेनाथ का मंदिर है, जय भोलेनाथ, और इधर गंगोत्री मंदिर, माँ गंगा का मंदिर है। तो ये हो गया गंगा मंदिर, यहाँ अंदर की तरफ माता का गर्भगृह। तो चलो चलता हूँ आगे, हर हर गंगे, जय हो गंगा मैया। और बाकी ये कुछ नज़ारा, सुबह भीड़ यहाँ पे, अभी फ़िलहाल इतनी भीड़ नहीं है दर्शनों के लिए, बहुत आराम से दर्शन हो सकते हैं। स्टार्टिंग में जब मंदिर खुलता है तब तो बहुत भीड़ रहती है, और वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ बनी हुई है भोलेनाथ की, गणेश जी भगवान की, भागीरथ जी की। तो मंदिर से निकल के ये रास्ता है, और यहीं से थोड़ा आगे की तरफ ऊपर की तरफ रास्ता चढ़ जाएगा गौमुख के लिए। तो वहाँ पे जो आप रास्ता देख रहे हो वहीं से गौमुख के लिए रास्ता आता है। ये रहा गौमुख का रास्ता, गौमुख पैदल मार्ग, प्लास्टिक का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। तो कुछ इस तरीके का रास्ता है शुरुआत में, और वहाँ भागीरथी गंगा और घाट बने हुए, इधर सामने की तरफ मंदिर। तो भाई और थोड़ा ऊपर आ चुका हूँ, और देखिए कितना सुंदर दृश्य है, मंदिर जो है बिल्कुल एकदम प्रकृति की गोद में बना हुआ है, बगल में माँ गंगा बह रही है, और यहाँ देवदार के पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, तो बहुत ही प्यारा व्यू है। और मंदिर के बारे में एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना भूल गया था, कि जो मंदिर है वो अक्षय तृतीया के दिन खोला जाता है, और जो भाई दूज पड़ता है दिवाली से एक दो दिन बाद, उस भाई दूज वाले दिन इस मंदिर के पट बंद हो जाते हैं। तो मंदिर यहाँ पे भी गंगोत्री धाम में भी 6 महीने के लिए खुला रहता है और 6 महीने के लिए बंद रहता है। गंगोत्री से सीधा गौमुख 18 किलोमीटर, लगभग 8 घंटे का रास्ता। तो ये तो आपकी चलने की स्पीड पर डिपेंड करता है, जितना आप अच्छे से चल सकते हैं उतना जल्दी पहुँच जाओगे। कुछ लोग आगे जा रहे हैं, और एक दो लोग मेरे पीछे भी हैं। तो भाई ये पोर्टर, ये शायद नेपाल से होंगे, और ये टेंट वगैरह का सामान लेके जा रहे हैं किसी का। और सामने देखिए कुछ पीक्स नज़र आने लगी हैं वहाँ सामने की तरफ, एक वहाँ पे है सामने, एक वहाँ पे है, ये भी है, और वो शायद माउंट सुदर्शन है,
रास्ते में कुछ ऐसे क्षेत्र भी मिलेंगे आपको, बड़े बड़े बोल्डर्स। बारिश के टाइम इधर लैंडस्लाइड होती होगी काफ़ी, और हल्का फुल्का ये झरना बह के आ रहा है इधर। यहाँ से और वहाँ से, और चलते हैं आगे। शुरुआती रास्ते में आपको देवदार के पेड़ नज़र आएंगे, आपके साथ साथ चलते रहेंगे। आगे जाके हो सकता है कि रास्ता खुला नज़र आए, और सामने की ये चोटियाँ, बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो भाई अभी तक रास्ता ठीक है, कहीं के भाई ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है, थोड़ा देख के ही चलना होता है, लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है अभी तक। ज़्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं थी, कहीं पे चढ़ाई है कहीं सीधा है, और अभी थोड़ा बिल्कुल फिर से नीचे उतर के और सीधे ही चलना है। तो आगे एक राम मंदिर पड़ेगा, शायद यहीं पे राम मंदिर है, हाँ वही है, उसके दर्शन करके, और यहीं पे शायद फॉरेस्ट का परमिट बनेगा सबका। अभी भाई हम गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान प्रवेश द्वार में आपका स्वागत है। यहाँ पे शायद राम मंदिर है, और यहीं पे पर्ची कटेगी। तो अभी मंदिर में दर्शन करके, पहले यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट ऑफिस है, वहाँ पे अपनी पर्ची परमिट बनवा के फिर आगे के लिए मैं निकल जाऊँगा। और यहाँ पे ये जानवर आपको देख सकते हैं, ये तो भरल है सींग वाला, और भालू हो गया स्नो, और ये भेड़िया वगैरह है। जिस चीज़ का डर था मुझे वही हुआ, और यहाँ पर सिंगल बंदे को जाना अलाउ नहीं है गौमुख तक भी। मतलब ऐसा नहीं है कि गाइड कंपलसरी है या आप पोर्टर लेके जाओ, आप अकेले नहीं जा सकते। बस या तो आपके साथ कोई एक और होना चाहिए, आप दो लोगों का हो, और दोनों लोग मतलब साथ ही जाएंगे और साथ ही वापस आएंगे। ऐसा नहीं है कि एक एक जो आपके साथ जा रहा है यहाँ से वो एक दिन पीछे आ रहा है या एक दिन पहले आ रहा है, तो वो साथ ही जा सकते हैं और साथ ही आना होगा। तो मेरे साथ अभी कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ। अब देखता हूँ नीचे जाके, और भगत दा, और मैंने इनसे पूछा था कि कल इंडिया हाइक्स वालों का ग्रुप जाएगा तो उनके साथ निकल सकता हूँ क्या, तो उसके लिए भी इन्होंने मना कर दिया कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हम बड़े ग्रुप के साथ नहीं भेज सकते। आप बस ऐसा करिए कि नीचे जहाँ परमिट बनता है वहाँ पर अगर कोई सिंगल या दो तीन के ग्रुप में अपना परमिट बनवाता है तो उनके साथ बनवा लीजिए, अगर नहीं तो फिर सिंगल के लिए अलाउ नहीं है। अभी यहाँ पे राम मंदिर है, उसके दर्शन करके फिर मैं वापस गंगोत्री के लिए ही जा रहा हूँ। और अरे यार क्या कहूँ, मतलब बहुत दुख हो रहा है, मैंने मुझे लगा था कि सिंगल कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक आश्रम राम मंदिर बना हुआ है सामने की तरफ, यहाँ दर्शन करके फिर मैं नीचे की तरफ गंगोत्री की तरफ ही चला जाऊँगा वापस। अभी मैं जा रहा हूँ वापस, मैं सबसे पहले अभी जहाँ परमिट इशू होता है वहीं जाऊँगा। और भाई जो भी कोई गौमुख के लिए आ रहा है, पहले ये इन्फॉर्मेशन हर किसी YouTube चैनल पे है ही नहीं, कहीं पे ज़्यादातर बहुत कम ही है। पहली बात तो आपको सिंगल अलाउ है नहीं, आपको सिंगल नहीं जाने देंगे, और ऐसा भी नहीं है कि आपको गाइड या पोर्टर करना कंपलसरी है। आप दो लोग हो तो आप आगे जा सकते हो, और दो में भी ऐसा ही है, साथ ही जाना होगा और साथ आना होगा। अगर आप दो लोग हो तो आप बिना गाइड और बिना पोर्टर के जा सकते हो, लेकिन आप सिंगल हो तो आप गाइड करें, चाहे आप गौमुख के लिए आ रहे हैं उसके लिए, और तपोवन के लिए आप के पास एजेंसी होनी चाहिए पहले से ही, और जैसे इंडिया हाइक्स वगैरह इसके साथ आप वो अप्लाई कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और फिर तपोवन के लिए भी जा सकते हैं, क्योंकि तपोवन थोड़ा मॉडरेट ट्रैक में, मॉडरेट टू हार्ड ट्रैक में आ जाता है। मॉडरेट के लिए भी, हाँ गौमुख मॉडरेट ट्रैक में आता है, और मॉडरेट के लिए आपको गाइड करना इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो हार्ड ट्रैक है जैसे कि तपोवन हो गया, वहाँ पत्थर वगैरह गिरने का बहुत डर रहता है, और स्टीप
है बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए आपको नहीं जाने देंगे आगे, आपको किसी ना किसी एजेंसी से कांटेक्ट करके तभी आ सकते हैं। ये मेरा परमिट बन चुका है और मेरे साथ ये भैया भी जा रहे हैं, ये भैया हैं, एक भैया पीछे हैं और तीन भैया जो हैं वो वहाँ आगे पहुँच चुके हैं, फॉरेस्ट जो ऑफिस है वहाँ पर। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रजवीर रावत है। रजवीर रावत, उत्तराखंड से हैं ये भैया, उत्तराखंड से ही हैं, टिहरी के साइड से हो आप? अच्छा, तो और एक भैया वो आ रहे हैं वहाँ पे पीछे। आपका क्या नाम है? संदीप। तो भैया का नाम है संदीप और तीन भाई और हैं वो आगे जा चुके हैं। तो मैंने इनसे बोला था कि मैं सिंगल हूँ और मेरा भी परमिट आपके साथ ही करवा दो, तो इन्होंने अपने साथ ही करवा दिया। अब आज हम भोजवासा रुकेंगे और कल गोमुख करके और फिर वापसी आ जाएंगे गंगोत्री के लिए। तो भाई वहाँ सामने देखिए ये सुदर्शन पीक कितनी मस्त नज़र आ रही है, बहुत अच्छी, और चीड़ के ही ये देवदार के पेड़ और बहुत सुंदर नज़ारा। और ये भैया आगे आगे चलते हुए यहाँ पे देखिए एकदम से आपको सुदर्शन पर्वत नज़र आएगा पूरा सामने। वाह कितना सुंदर नज़ारा है, बहुत ही सुंदर। से पहुंच चुके हैं फॉरेस्ट ऑफिस के पास और यहाँ से वो पीक नज़र आ रही है, सुदर्शन पर्वत वगैरह, और यहाँ नीचे राम मंदिर। अभी मैं जैसे कि यहाँ फॉरेस्ट ऑफिस आ चुका हूँ, यहाँ सर बताएंगे कि मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है यहाँ पे, जैसे मैं आ गया था फिर वापस जाना पड़ा, तो सर बता दीजिए क्या प्रोसीजर है यहाँ के लिए। सबसे पहले नमस्कार आपको गंगोत्री नेशनल पार्क की तरफ से। थैंक यू सर। जैसे आप लोग गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर इंटर करने जा रहे हैं जी, तो यहाँ पर सबसे पहले परमिशन लगती है गोमुख की जी। तो परमिशन इस प्रकार की होती है, ऑनलाइन और ऑफलाइन भी। अच्छा, है ना? तो ऑफलाइन थोड़ा आजकल बंद हो रखी है किसी कारणवश, और ऑनलाइन बन रही है। ऑनलाइन आप कहीं से भी ट्रैवल एजेंसी से या गंगोत्री से किसी भी ट्रैवल एजेंसी से कर सकते हैं, और परमिशन लेके आप यहां पर चेक पॉइंट पे आकर के ही आप अपना परमिशन जारी कर सकते हैं, और अपना नाम पता लिखवा के परमिशन जारी करके और फिर अपना गोमुख जाएंगे। और जो भी आपके पास गार्बेज होगा, कैमरा होगा, टेंट होगा, स्लीपिंग बैग होगा, सारा यहाँ पर नोट हो जाएगा, और ओनली गोमुख या तपोवन की परमिशन ही मिल पाएगी और ट्रेवल एजेंसी से मिलेगी। अच्छा, तपोवन की ट्रेवल एजेंसी से और जैसे गोमुख तक नॉर्मल, गोमुख की नॉर्मल मिल जाएगी किसी भी, लेकिन सिंगल को फिर भी नहीं, सिंगल को अलाउ नहीं है, या तो गाइड या फिर या किसी के साथ आप कंप्रोमाइज कर सकते हैं, साथ जाके साथ आके, और रास्ते में जगह जगह थोड़ा लाइन स्लाइड भी है जी। और आपको अपनी सेफ्टी से जाना होगा, अपने केयरफुल जाना होगा, प्लास्टिक का विशेष ध्यान है इस पे नेशनल पार्क के अंदर जी। जो भी टॉफी बिस्कुट चॉकलेट ड्राई फ्रूट का लॉजेंस लेके जाएंगे वो सब आपने रैपर वापस लाना वापस है, कहीं डिस्प्लेस नहीं करना है, किसी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुँचाना है, है ना? यही सुजेशन है हमारा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ओके नमस्ते। तो वही ये इन्फॉर्मेशन थी, और यहाँ राम मंदिर है नीचे, मैंने आपको दर्शन कराई दिए थे, और बाकी ये सब भाई हैं, ये तो है ही है, इनसे भी आपको मिलवा दिया था, वो भैया भी हैं। आपका क्या नाम है? अमित। अमित नाम है आपका, और हमारे साथ ये भैया भी हैं। आपका क्या नाम है? सुरेश चंद। सुरेश चंद, तो और आप भी हो हमारे साथ? हाँ, ये भैया भी हैं। आपका नाम क्या है? मनीष। मनीष, तो वही हमारा ट्रैक हो चुका है स्टार्ट, तो ये जो भी बाकी सारी इन्फॉर्मेशन थी वो फॉरेस्ट वालों से आपको पूछ के मैंने बताई दिए। अब ये सारी जानकारी मिल चुकी है, मुझे भी ये जानकारी थी कि सिंगल जा सकते हैं, सिंगल जा सकते हैं, लेकिन कोई और भी आपके साथ में होना ज़रूरी है। तो भाई बहुत सुंदर ट्रैक है, स्टार्टिंग से ही आपको जो सुदर्शन पीक नज़र आ रही है बहुत ही प्यारी लग रही है, आगे जाके भागीरथी पीक भी नज़र आएगी, भागीरथी 1, 2, 3, और शायद भोजवासा के पास से वो शिवलिंग पर्वत भी नज़र आएगा। भाई ये लोग नहीं मिलते तो शायद मैं आज नहीं जा पाता। वाह, ये कुछ ट्रैक ऐसा बना हुआ है, जहाँ भी गई अभी तक तो ठीक है, ज़्यादा स्टीप नहीं है, बस नॉर्मल या सीधे सीधे ही है। कुछ यहाँ सीधी खड़ी चट्टान है ऊपर की तरफ, और चलता हूँ आगे, और इधर भी एक पीक नज़र आ रही है जिसपे बर्फ़ लगी हुई है सामने ऊपर की तरफ, और वहीं जो वो घाटी देख रहे हो आप पीछे की तरफ, वहाँ से उधर से होता है केदारताल का ट्रैक, ये
पोर्टर। भाई यहाँ पे ज़्यादातर जो पोर्टर रहते हैं वो नेपाल के रहते हैं। अगर नेपाल के ये लोग ना हो तो जो लोग सबमिट करने के लिए आते हैं वो शायद ना ही कर पाएँ, क्योंकि जो वज़न होता है वो 50-50, 60-60 किलो वज़न एक बार में ही अपने साथ ले जाते हैं। तो यहाँ पे रास्ता थोड़ा बदल चुका है, देवदार के पेड़ ख़त्म होके अभी ये झाड़ियाँ और दूसरे तरीके अखरोट के हैं क्या ऐसा लग रहा है ना। अच्छा पर है नहीं, दूसरे पेड़ अब चालू हो चुके हैं और धीरे धीरे करके गौमुख तक पहुँचेंगे तो पेड़ लगभग ख़त्म ही हो जाएंगे। चीड़वासा में पेड़ मिलेंगे, चीड़वासा उसका नाम इसलिए क्योंकि वहाँ चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और भोजवासा इसलिए क्योंकि वहाँ भोजपत्र के पेड़ ज़्यादा पाए जाते हैं। तो भाई ये गंगोत्री साइड का नज़ारा देखिए, वहाँ सामने के पहाड़ तो ऐसे नज़र आते हैं, आ रहे हैं जैसे लद्दाख में रहते हैं। और अभी यहाँ पे थोड़े बैठे हुए हैं सब लोग, माँ का ऊपर तो नज़ारा। ओह नानी का है, नानी। ओह भाई आगे निकल चुके हैं और नज़ारे दिखाऊँ, नज़ारे ये देखिए सामने, बहुत ही खतरनाक और मस्त, ब्यूटीफुल। तो भाई बहुत ही खूबसूरत वैली है, वहाँ सामने की तरफ बर्फ ही बर्फ, सुदर्शन पर्वत और नीचे ये भागीरथी गंगा, और लद्दाख से कम नहीं लग रही भाई ये जगह, ये देखिए। सच में ये ट्रैक अद्भुत है, अभी तो शुरुआत ही की है, 3-4 किलोमीटर ही आया हूँगा और सामने जो पर्वत है सुदर्शन पर्वत उसे नज़र नहीं हट रही है। आगे जाने का मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है यहीं बैठ जाऊँ। और जो उसके नीचे वाला पर्वत है उस पर देखिए बर्फ़ की कितनी मोटी चादर बिछी हुई है, 8-9 फीट की तो होगी। चलता हूँ आगे। तो भाई यहाँ ट्रैक में देखो ये बहुत सारी बेरीज लगी हुई हैं, एकदम सेब जैसी नज़र आती है, छोटा सा सेब, लेकिन इनको खाना नहीं है। यहाँ जंगल में आप कुछ भी खाओगे तो बिना जान पहचान के कुछ खाओगे तो हो सकता है आप यहीं पड़े रहो। और सामने ट्रैक। तो भाई ये हो गया ट्रैक, और ट्रैक के सामने सीधी खड़ी लगभग 90 डिग्री की चट्टान है ये। यहाँ पे अभी एक पानी का स्रोत, और ये भाई कैसा लग रहा है ट्रैक करके? ट्रैक बहुत बढ़िया है, अच्छा है, अच्छा है। जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि बहुत लेट हो जाएगी, भोजवासा नहीं पहुँच पाएंगे क्या? तो भाई जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो जो सुदर्शन पीक है वो उस पर्वत की तरफ छुप जाएगी, और हमारा ट्रैक वहाँ से चालू होके फिर उस वैली में चला जाएगा आगे की तरफ। तो यहाँ पे नदी बह के जा रही है और ऊपर की तरफ से सामने ये झरना बह के आ रहा है, वाह बहुत ही शानदार। तो भाई अभी धीरे धीरे करके बादल लगने स्टार्ट हो चुके हैं,
और जो सुदर्शन पीक थी वो तो इधर की तरफ छुप चुकी है, थोड़ी बहुत इधर से दिखती लेकिन बादल लगने चालू हो गए हैं। बादल सुबह बहुत ज़्यादा लगे हुए थे, आपने अगर स्टार्टिंग में टाइम लैप्स देखा हो तो, लेकिन बाद में ये पूरा खुल गया और अब फिर से बादल लगने स्टार्ट हो गए। तो आप ये जो अभी फ़िलहाल रास्ता देख रहे हो, ये चट्टान इसका पूरा स्लोप ऐसे होगा, इस चट्टान को काट के और फिर ये रास्ता बना रखा है। और लैंडस्केप जैसे कि आप पूरी वीडियो देख रहे होंगे जब से, तो धीरे धीरे करके चेंज नज़र आ रहा होगा आपको, कहीं पे पेड़ नज़र आ रहे हैं, कहीं पे खुला एरिया, फिर झाड़ियाँ आ जाती हैं कभी कुछ। और यहाँ पर ये फूल देख रहे हो, इनमें से हल्की मध्यम मध्यम खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी प्यारी। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जैसे आप यहाँ गंगोत्री आओगे तो यहाँ पे नेटवर्क दो ही सिम के रहते हैं, मैंने शायद पिछली वीडियो में नहीं बताई थी वो बात, तो आपको जियो और एयरटेल के ही यहाँ पे नेटवर्क मिलेंगे। तो ये देखिए नज़ारा, एक तरफ ट्रैक, सामने बर्फीले पहाड़ और नीचे नदी, और इधर पूरा देवदार और चीड़ का जंगल। तो इससे अच्छे सुंदर नज़ारे और कहाँ ही मिलेंगे आपको। यहाँ ऊपर की तरफ है वाटरफॉल, वहाँ से ऊपर से पानी आ रहा है और ये सीधा नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा, और रास्ता थोड़ा ऐसा है, आपको देख के चलना पड़ेगा, नहीं तो ये पत्थर जैसे ही आप पैर रखोगे तो इस पे से पैर फिसल जाता है, छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं उन पे से। और वहाँ देखिए भाई, स्नो कवर्ड माउंटेन एकदम मस्त नज़र आ रहे हैं। और ये हमारा ट्रैक, बस चल दिए यहाँ पे, दो मिनट रुके थे फिर आगे की तरफ अब निकल दिए। अब देखिए आप, लैंडस्केप एकदम से चेंज हो गई है, आप पहले देखा होगा, अब देखिए घाटी में थोड़े थोड़े फूल खिले हैं, बोल्डर्स हैं और थोड़े रंग बिरंगे पत्थर, सामने की पीक्स, ये जंगल पूरा देवदार का, और ये नीचे गंगोत्री वाला एरिया। तो भाई अभी रुके हैं इधर और यहाँ पे बनाएंगे मैगी, ये प्याज टमाटर खीरा वगैरह काट रहे हैं। तो यहाँ पे लगाई है हमने आग और ये कढ़ाई। अरे मुझे जला दिया है भाई, तू सिलेक्ट कर ची धुल लकी हो देना इधर। तो भाई ऊपर के नज़ारे कुछ ऐसे, बादल लग चुके हैं और यहाँ पे बन रही है अपनी मैगी, मैगी वगैरह खा के फिर जाएंगे आगे की तरफ। बस यहाँ पे आधे घंटे रुकेंगे और ये जो भी जितना भी कूड़ा करकट फैलाएंगे सब समेट के ले जाएंगे यहाँ से, और आग जितनी भी है उसे बुझा के फिर ही निकलेंगे। आपने एक टर्म एंड कंडीशन नहीं बताई, आलू 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 तो भाई यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है। तो ये खीरा है और इसका जो आगे का हिस्सा होता है ये ऐसे फेंक के मारते हैं और जिसके चिपकता है वो मतलब चोर होता है, ऐसा कहते हैं। नमक टेस्ट कौन करेगा? अरे मार्क्स का भाई, ये बन चुकी है मैगी और इसको खा के फिर निकलेंगे अपने ट्रैक पर। बाकी सब लोग इधर
एक भैया इधर है, बाकी इधर सब एक भैया ये आग लगा रहे हैं, वहाँ पे हम पानी गर्म करेंगे और चाय बनाएंगे। तो भाई मैगी बन चुकी है और इन भैया ने टेस्ट कर लिया, कैसी बनी है? बहुत बढ़िया, शानदार, मजे आ गए, मजे आ रही तो। और ये सर भी ट्राई कर रहे हैं, कैसी हो रही है? अरे भाई साहब इतनी बढ़िया तो आज तक नहीं भाई यार, क्या इसके क्रेडिट जज्जू भाई को जाता है। हाँ, और भाई को जाता है, उन्होंने बनाई है। सभी तालियां बजा रहे हैं उनके लिए, मैं भी तालियां बजा रहा हूँ, तालियां। तो भाई यहाँ पे हमने बनाई थी मैगी और चाय, और जितना भी अपना प्लास्टिक का सामान था वो सारा उठा लिया है और सारा कैरी करके अब सारे पैक वैक करके हाँ चलते हैं आगे की तरफ। चाय बनाई थी अभी, देखिए नज़ारे, और बादल लगे हुए हैं अब तो, धीरे धीरे करके चारों तरफ बादल होते जा रहे हैं। तो भाई हम चलते हैं आगे, थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ, और अभी आपको जो माउंटेन पीक दिखाऊंगा वो है माउंट भागीरथी। अब सामने की तरफ दिखने लगी है माउंट भागीरथ, ये सामने। तो ये सामने वाला पेच था, इधर की तरफ तो माउंट सुदर्शन है और फिर इस वाली वैली की तरफ ये माउंट भागीरथ। तो भाई वो तो हो गया भागीरथी पर्वत, और ये नीचे की तरफ शायद यही है चीड़वासा। तो भाई अभी पहुंच चुके हैं हम चीड़वासा में, यहाँ से अब भोजवासा है लगभग 5 किलोमीटर। तो भाई चीड़वासा में 10 मिनट रुक के निकल लिए भोजवासा के लिए, यहाँ पे टेंट पिच कर रहे हैं लोग कि आज यहीं पे रुकेंगे और हम चलते हैं भोजवासा के लिए। तो जैसे अगर कोई लेट हो जाता है चीड़वासा आने में तो यहाँ चीड़वासा में भी रुक सकते हैं, जैसे रात हो गई तो यहाँ पर रुकने और खाने की व्यवस्था भी है, और अपना टेंट लेके आ रहे हो तो भी यहाँ पे टेंट पिच कर सकते हो। तो भाई यहाँ से सामने भागीरथी की फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीनों पीक नज़र आ रही हैं, और नीचे की बैली भागीरथी गंगा नीचे बह के आती हुई। तो भाई यहाँ पे ये खा रहे हैं हर्षिल वाले सेब, कैसे मीठा है खट्टा है? मीठा, और मेरे को भी दिया एक। ये भैया तो पूरे सामान के साथ ही आए हैं, ड्राई फ्रूट्स मैगी वगैरह और ये सेब, हर्षिल का सेब तो काफी फेमस है इधर का, है ना। तो मेरे को भी दिया है, मैं भी खाता हूँ फिर निकलेंगे हम। तो भाई ये हर्षिल का सेब है, और हर्षिल का सेब उत्तराखंड में बहुत फेमस है। तो इन चट्टानों की शेप देखो, देखने में लगते बहुत शानदार हैं लेकिन हैं बहुत खतरनाक। ये भोजपत्र के पेड़ है, इन्हीं की छालों पे वेद पुराण लिखे गए थे, कई बार वीडियो में दिखा चुका हूँ और बता चुका हूँ। थोड़ा चल देता हूँ जल्दी जल्दी। तो भैया अभी नदी क्रॉस करके आ चुके हम, वो रहा नीचे पुल, और आप सामने के नज़ारे देखिए, ये लाल हरे, और ऊपर ये चट्टाने देखिए आप, इनकी शेप कैसी है, शंकुनुमा। वहाँ से आ रहे हैं हम नीचे, वो आप जंगल देख रहे हो वही चीड़वासा है, और नदी पार करके आ चुका है पूरा
बोल्डर्स वाला एरिया, पत्थर ही पत्थर, इनको पार करके जाना है। तो भाई चीड़वासा के बाद थोड़ी थोड़ी चढ़ाई है कहीं कहीं, और जैसे ही वो पुल पार करा था वहाँ से थोड़ी चढ़ाई है, और पूरा ये पत्थरों वाला एरिया बोल्डर्स का, ये कभी बादल फटा होगा या पानी बहुत तेज आया होगा तो पूरी चट्टान नीचे आ गई होगी। तो भाई जो सामने वो रॉक फॉल एरिया था वहाँ के, उन पे देखो पत्थर कैसे रखे हुए हैं उनकी नोक पे बिल्कुल, और इनकी शेप तो बहुत ही शानदार है। तो भाई अब ये ऊपर की तरफ थोड़ा बुग्याल वाला एरिया है, यहाँ पूरी घास है एक तरफ, और फिर ये वैली देखिए आप पूरे नीचे की कितनी सुंदर है और काफ़ी चौड़ी है। इधर यहाँ पे ये हो गया गंगोत्री साइड वाला एरिया, यहाँ की लगभग हाईएस्ट पीक सारी लगभग 4,500-5,000 फीट मीटर के आसपास हैं। और ये सर और छोटी बच्ची, नमस्ते, नमस्ते। ओके सर आपका ट्रैक, नमस्ते। ट्रैक भगवान शिव जी की कृपा से अच्छा चल रहा है जी, और वो ही कर रहे हैं, करवा के ले रहे हैं। बिल्कुल हम क्या करेंगे, बिल्कुल वही करवाते हैं, किधर मुसीबत आएगी हमको क्या पता, वो नहीं लाते हैं यही उनकी कृपा है। बिल्कुल, आप कहाँ से हो वैसे? मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर से हूँ। अच्छा कोल्हापुर से, तो आपके ग्रुप में कोई एक, ये अनादि फाउंडेशन का, अच्छा उनकी तरफ से, तमिलनाडु का एक ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा जो आपके साथ में गुरुजी थे, गुरुजी थे हाँ, उन्होंने वो अरेंज किया है, और हम भारत में पूरे भारत में से है। हाँ एक और भैया थे उनसे मिला था, वो हैदराबाद बता रहे थे, हैदराबाद के थे, तेलंगाना के है, केरला के है, तमिलनाडु के है, अलग अलग जगह से, बहुत सारे स्टेट से। लगभग 25 लोग हो ना आप? 30 लोग हैं आप, ठीक है। और आपका कैसा रहा? अच्छा रहा। अच्छा रहा, मजा आया? आया। बिल्कुल, तो चलो ठीक है, नमस्ते, बाय। जय भोले की, हर हर गंगे, जय भोले, जय गंगा मैया की। तो भाई ये सामने वैली कितनी सुंदर है, ये ट्रैक करोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ की दिव्यता सुंदरता बहुत ही अद्भुत है। तो चलो मैं आगे चलता हूँ, मेरे साथ के लोग आगे निकल चुके हैं, और पूरा ऊपर तक बुग्याल वाला एरिया है, ये थोड़े भोजपत्र के पेड़, चलते हैं आगे। अब देखिए भाई काफ़ी शानदार नज़र आ रहा है ट्रैक, चलो चलते रहो, बहुत आगे निकल गए सब लोग, मैं थोड़ा पीछे रह गया वीडियो बनाने के चक्कर में। और ये फिर से एक बार रॉकफॉल जोन, ये देखिए आप यहाँ से तो भाई निकल लो जल्दी से, ये देखिए कितना खतरनाक है, बस निकल के मैं जा रहा हूँ आगे। वाह ये देखिए आप यहाँ पर, ये कितना खतरनाक है, पत्थर कभी भी नीचे आ सकते हैं वहाँ पे भी, तो जल्दी से उस एरिया को पार करके वहाँ पहुँच जाए। अब लगभग सीधा सीधा और नीचे का ही है, चलता हूँ आगे। तो भाई चीड़वासा के बाद 2-2.5 किलोमीटर आने के बाद ये जो पैच पड़ता है, ये जो एरिया पड़ता है, ये सबसे ख़तरनाक है, और लैंडस्लाइड जोन यही है, इसमें से जल्दी हो सके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकले, और रुकें तो बिल्कुल ना यहाँ पे, क्योंकि ये देखो आप ये पत्थर भी ऊपर से आके नीचे गिरे हुए हैं। तो भाई अभी ये ट्रैक और ट्री लाइन लगभग ख़त्म हो चुकी है, बस आपको यहाँ नीचे की तरफ पेड़ नज़र आएंगे, ऊपर ऊपर पूरे बुग्याल, इधर भी बुग्याल, और पहले एकदम खूबसूरत नज़र आने लग गई है, पहले पेड़ थे चीड़ के देवदार के, फिर कहीं कहीं पे नहीं थे, फिर अभी पूरा बुग्याल वाला एरिया। भाई वहाँ पे देखिए भरल नज़र आ गई है, वहाँ हो रही ब्लू शिप, कैसे देख रहा है वो वहाँ पे है, वाओ वो गया उधर की तरफ गायब। तो यहाँ पे इस ट्रैक में आपको भरल नज़र आ सकती हैं आसानी से, और इनका ही शिकार करते हैं स्नो लेपर्ड, तो वो बहुत रेयर चांस है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हुई तो वो भी दिख सकते हैं। तो बहुत दूर था, शायद आपको अच्छे से नहीं दिखा होगा, कैमरा इतना हाई क्वालिटी का नहीं है, फ़ोन से ही मैं वीडियो बनाता हूँ, तो चलो अगर किस्मत अच्छी हुई तो कल वल दिख जाए। तो भाई वहाँ पे देखिए एक बार फिर से दिखाए भरल पूरा वहाँ पे,
कितना शानदार नज़र आ रहा है, अकेला ही घूम रहा है ये। और लगभग 4000 मीटर से ऊपर ही रहते हैं ये बर्फीले एरियाओं में ही। वाओ, तो छोड़ देते हैं इसे इसी के हाल पे और चलते हैं आगे। और भी हैं क्या भाई? वो आगे की तरफ चल दिए हैं, ये देखो ये धीरे धीरे करके आगे जा रहा है। तो भाई वो देखिए वहाँ पे वो भरल, थोड़ा पीछे से और सही दिख रहे हैं, वो जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो भाई हम आ चुके हैं भोजवासा, ये नीचे की तरफ शायद कैंप साइट है। और वहाँ पे देखिए भागीरथी फर्स्ट पे शायद सूरज की किरण पड़ रही है, किरण पड़ रही है तो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बहुत ही औसम। नीचे की तरफ ये पूरा यहाँ से लेके पीछे तक पूरा ग्लेशियर है। तो भाई ये जगह है भोजवासा और हमारी एलिवेशन है 3794, लगभग 3800 मीटर के आसपास। और नीचे पूरा भोजवासा, वहाँ नीचे एक मंदिर भी बना हुआ है। चलता हूँ नीचे, मुझे कैंप भी लगाना है आज, कोई अच्छी सी जगह देख के कैंप लगा लूँगा। तो भाई यहाँ पे लगा लिया मैंने अपना टेंट और इसका मुंह इधर की तरफ कर दिया है क्योंकि यहीं से सीधे माउंट भागीरथी दिखता है। और यहाँ पे कुछ और भी टेंट लगे हुए हैं, तब ओपन के लिए आ रखे होंगे भैया। तो भैया ने बोला कि आप यहीं लगा लो, सिंगल ही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, खाना पीना का मैं देखता हूँ और बाकी आप आज रात का रुकने का इंतज़ाम। ये पूरा भोजवासा का रात के करीब 6-6:30 बजे के नज़ारे हैं। तो भाई अपना टेंट मैंने लगा लिया है और रास्ता मुझे नहीं दिख रहा है फ्लैश लाइट की वजह से। तो मैं अभी यहाँ पे एक आश्रम है, वहीं पे मंदिर भी बना हुआ है और वहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है। तो मैं थोड़ा उधर की तरफ घूम के आता हूँ, फिर जहाँ पे मैंने टेंट लगाया वो भैया बोल रहे थे कि खाना आप हमारे यहाँ पर ही खा लेना। तो मैं भी घूम के आता हूँ इधर और फिर मैं अपने टेंट में आके सो जाऊँगा और सुबह जाएँगे गौमुख की तरफ। तो भाई यहाँ आश्रम में अंदर की तरफ तो है मंदिर और यहाँ जितने भी लोग रुके हुए हैं वो सभी भोजन कर रहे हैं। यहाँ पे रुकने का कॉस्ट है 500 रुपये खाना और पीना, तो कोई ज़्यादा भी नहीं है। आप अगर आ रहे हो तो यहाँ पे भी रुक सकते हो, हाँ लेकिन आप जल्दी आने की कोशिश करें, अगर फुल हो जाता है तो फिर यहाँ पे नहीं रुक पाते हैं। अभी मैं अपने टेंट के अंदर आ चुका हूँ और वहाँ आश्रम से होके आया था, वहाँ आश्रम में मंदिर के दर्शन किए, फिर लोग वहाँ पे खाना खा रहे थे, मुझसे भी पूछ रहे थे वो खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे भैया ने मुझसे बोल दिया था खाना खा लेना यहीं पे, तो मैं वहाँ पे नहीं खा के आया। तो थोड़ी देर में यहाँ पे खाना खाऊंगा और कल सुबह लगभग 6:30 बजे गौमुख के लिए निकल जाऊँगा। तो अभी मैंने टेंट अपना लगा लिया है, योगा मैट बिछा लिया है, कंबल निकालूंगा, थोड़ी देर में खाना खाने के लिए जाऊँगा, आवाज़ मार देंगे। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, खुश रहिए। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।